बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में नकली नोटों के साथ तीन अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनौर एसपी ने किया मामला का खुलासा। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत नजीबाबाद कोटद्वार मार्ग से स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान नकली नोटों के साथ तीन अभियुक्त कयूम, वरुण और कौशल को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 58,000 नकली नोट और 4830 रुपए असली नोट बरामद हुए हैं। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रेमिका के पति को फंसाने के लिए बरेली से नकली नोट लाए गए थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर साजिश करने वाले स्वयं ही पुलिस के चंगुल में फंस गए। बरेली में सुनील नाम का व्यक्ति जो नोटों को छाप कर सप्लाई करता है, वो व्यक्ति अभी वांछित है। तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधि कार्रवाई कराई जा रही है। आज न्यूज चैनल ने जनपद बिजनौर नजीबाबाद क्षेत्र से रिपोर्टर डॉक्टर खिजर जावेद खान की खास रिपोर्ट। नजीबाबाद में नकली नोट लगाएंगे क्या बोला? नजीबाबाद के स्थानीय पुलिस द्वारा कोटद्वार रोड से तीन अभियुक्तों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। कयूम, वरुण और कौशल, इनके कब्जे से 58,000 रुपया नकली नोट और 4830 रुपया असली नोट बरामद हुआ। कयूम मूल रूप से जनपद बिजनौर का रहने वाला है, लेकिन किराए का मकान लेकर के मुरादाबाद रहता है। इसकी रिश्तेदारी के ही शमशाद, गुलफाम और एक अन्य शमशाद, जिनका पारिवारिक रंजिश एवं चारित्रिक आशंका के चलते इनको फंसाना चाहते थे, नजीबाबाद में बुलाया गया था, लेकिन वो आ नहीं पाए थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, जिसके तहत तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी पवन, जो बरेली में रहता है, उसी के यहाँ नकली नोट बनाने की जो फोटो कापियर, कलर्ड फोटो कापियर स्कैनिंग करके बनाते हैं, उसकी गिरफ्तारी और मशीन की बरामदगी एसएस है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सुसंगत धारा अभियोग पंजीकृत है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।